हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से बात करने वाले हैं यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के ऊपर, और वोडाफोन आइडिया के ऊपर यहाँ पे प्रमोटर की तरफ से चौंकाने वाला बयान निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा, तो वीडियो के साथ पूरा पूरा जुड़े रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए। यहाँ पे देखें, वोडाफोन आइडिया हिंडाल्को, बैंक ऑफ बड़ौदा और यहाँ पे बाकी मनप्पुरम के ऊपर भी यहाँ पे मैंने वीडियो बना करके डाले हैं। तो डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे दो वीडियो मिलते रहते हैं। बढ़िया स्विंग ट्रेड का आप आनंद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं लेवल, टारगेट, स्टॉप लॉस और पूरी रणनीति वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। फिर चैनल के साथ अभी नहीं जुड़ा है तो अभी भी जुड़ जाइए, बहुत बढ़िया मौका आपके पास है। आप बहुत ज्यादा सीखोगे भी और यहाँ पे अर्न भी करोगे मेरे चैनल के साथ। फिलहाल अभी बात करेंगे वोडाफोन आइडिया में। आज सिचुएशन खराब है, आज आपको पता होना चाहिए कि गिरावट की सिचुएशन है। मार्केट भी ऊपर के लेवल से काफी ज्यादा फिसल चुका है। प्राइस चल रही है 9.25 रुपये के आसपास, 1% की गिरावट दिखाई दे रही है। जी हाँ, क्योंकि प्रमोटर की तरफ से नेगेटिव खबर निकल कर के आ रही है और वो खबर आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं पढ़ना चाहूंगा कि वोडाफोन नॉट कंसिडरिंग फर्दर पेमेंट टू वोडाफोन आइडिया अंडर द सीएलएफ। मैं एकदम सिंपली भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब 2018 में वोडाफोन पीएलसी ग्रुप की वोडाफोन और आदित्य बिरला ग्रुप की आइडिया का मर्जर हुआ था, तब एक एग्रीमेंट के थ्रू ऐसा यहाँ पे भीड़ हुई थी कि कुछ सालों तक कुछ राशि जब प्रमोटर को जब जब कंपनी में जरूरत पड़ेगी तब लिक्विडिटी इन्फ्यूज करना होगा। तो वो जो टारगेट था वो अभी वोडाफोन पीएलसी का खत्म हो चुका है। मतलब कि जितने पैसे का यहाँ पे बोली हुई थी, जितने पैसे की यहाँ पे डालने की बातें हुई थी, वो लिमिट है, वो वोडाफोन पीएलसी क्रॉस कर चुका है कि इतनी पेमेंट तो डालनी ही पड़ेगी, इतनी लिक्विडिटी तो डालनी पड़ेगी जब जब कंपनी को जरूरत पड़ेगी। क्योंकि वोडाफोन पीएलसी ऑलरेडी वो लिमिट को क्रॉस कर चुका है, तो अभी बताया जा रहा है कि अभी फर्दर पेमेंट जब करना होगा तब हो सकता है वोडाफोन पीएलसी वाले वोडाफोन आइडिया में ना करें, क्योंकि अब वो जो कंडीशन थी उससे बाहर निकल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा बहुत झटका बोल सकते हैं, क्योंकि आगे जाकर के जब लिक्विडिटी की जरूरत पड़ेगी तो वोडाफोन पीएलसी का अपना खुद का डिसीजन होगा कि वो अभी फर्दर डालना चाहते हैं कि नहीं। परंतु जो अभी टर्म के कंडीशन के साथ जो डील हुई थी उसका वो जो अमाउंट थी वो उन्होंने ऑलरेडी इन्फ्यूज कर दी है। तो आगे जा करके अभी क्या सिचुएशन होती है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि वोडाफोन आईडिया बाहर से अभी भी फंडराइजिंग करने में नाकामयाब रहा है। तो आगे जाकर के जब भी अभी जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है वोडाफोन पीएलसी वाले डाले ना डाले, वो आगे उनके ऊपर डिपेंड रहेगा, ऐसी बातें बोली जा रही है। तो इस तरह की खबरें हैं। अभी मैं आपको चार्ट पे ले जाने से पहले कारोबार की सिचुएशन भी बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो वोडाफोन इंडिया लिमिटेड 9.30 रुपये पे प्राइस चल रही है। प्रीवियस क्लोजिंग 9.35 रुपये, ओपन 9.40 रुपये, हाई 9.45 रुपये, लो की बात करें 9.20 रुपये। क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है वो आपके सामने है। 4 करोड़ शेयर की ट्रेडिंग है, 1.62 करोड़ शेयर की डिलीवरी, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 40% के आसपास की निकल करके आ रही है। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम नजर आ रहा है। सीधा चार्ट पे लेके जाना चाहूँगा। नेक्स्ट लेवल कल के लिए टारगेट क्या आ सकते हैं वो बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया के चार्ट पे लेके आए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपके साथ बात करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखिए बाउंस बैक हुआ है, 9.60 रुपये का हर्डल के तौर पे काम कर रहा है, परंतु यहाँ पे देखे तो फ्लैग टाइप की पैटर्न आपके सामने बनती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ पे आप पोजिशन बना सकते हो। मतलब कि अभी 9.30 रुपये के ऊपर सस्टेन हो, 9.35 रुपये के आसपास सस्टेन हो तो पोजिशन बना सकते हो, और सेफ गेम खेलना चाहो तो 9.60 रुपये का लेवल टूटे तब यहाँ पे आप पोजिशन बनाने की कोशिश कर सकते हो। नीचे की तरफ 9.15 रुपये एक इंटेक्ट सपोर्ट है, जो कि आज पूरे दिन यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। इसके नीचे 8.85 रुपये, 8.55 रुपये, 2 सपोर्ट मौजूद है। 9.60 रुपये के ऊपर जैसे सस्टेन होगा, जैसे मैंने बताया 9.95 रुपये से लेकर 10 रुपये तक के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए आरएसए का लेवल स्ट्रॉन्ग हो चला है, 58 के आसपास का है। हालांकि वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा सूखा हुआ नजर आ रहा है। तो मैं चाहूंगा दोस्तों कि वोडाफोन डे को आप स्टडी करिए और उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल पे नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।